ये आइडिया ऑफ इंडिया जहां समझाना हो समझा दो, मेरी तो 7 पुश्तें यहां जन्मी है, मैं विदेश से नहीं आया हूं, मुझे मालूम है आइडिया ऑफ इंडिया। कब तक मूर्ख बनाओगे माइनॉरिटी को कि नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं आई है, देश को सुधारने के लिए, देश की समस्याओं का समाधान। माननीय, बिल कभी ना लाना पड़ता, इस हाउस को इस बिल पर बहस कभी न सुननी पड़ती, ये बिल कभी भी भारत के कानूनों की सूची में सुधार कभी न आता अगर इस देश का बंटवारा न हुआ होता। ये बिल आज लाना पड़ रहा है क्योंकि इस देश का बंटवारा हुआ, और बंटवारे के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसको एड्रेस करने के लिए, उसके समाधान के लिए बिल लेकर आज मैं इस सभागुरु के सामने उपस्थित हुआ हूं। और शायद कोई सरकार पहले इसका समाधान निकल लेती तो भी मुझे आज ये बिल लेकर नहीं आना पड़ता, मगर माननीय सरकारें ऐसे चली है कि समस्याओं के साथ दो दो हाथ करने की जगह सरकार चलाते रहो, इस प्रकार से सरकार चली है। मैं आज देश की जनता के सामने आपके और इस सदन के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं आई है, देश को सुधारने के लिए, देश की समस्याओं का समाधान। जो जो सत्ता पर रहे सबको मैं कहना चाहता हूं, आज रात को रूम में अंधेरा रखकर अपने आत्मा के साथ संवाद करिए, अगर ये बिल 50 साल पहले ला दिया होता तो आज परिस्थिति इतनी न बिगड़ी होती। लोकसभा में शिवसेना ने इस बिल का समर्थन किया था। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं, शायद मुझे न बताएं, महाराष्ट्र की जनता भी जानना चाहती है कि आज रात को क्या हुआ कि आज शिवसेना ने अपना स्टैंड बदल दिया। मनोज झा जी ने कहा कि इतिहास तय करेगा, मनोज झा जी निश्चित रूप से इतिहास तय करेगा कि 70 साल तक एक लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया था, इसको न्याय नरेंद्र मोदी जी ने देकर इतिहास इसको सुवर्ण अक्षर से अंकित। लाखों करोड़ों लोग नर्क की यातना में जी रहे थे, उनको न्याय किसी ने नहीं दिया क्योंकि वोट बैंक की लालच के अंदर आंखें अंधी हुई थी, कान बहरे हुए थे, उनकी चीखें नहीं सुनाई पड़ती थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वोट बैंक की राजनीति के लिए कभी कुछ नहीं किया, केवल और केवल ये पीड़ितों को न्याय करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ये बिल लेकर आए हैं। कपिल सिब्बल साहब, पूरी दुनिया ढेर सारे यूएन ह्यूमन राइट कमीशन के रिपोर्ट्स, दुनिया भर के अखबार, भारत के कई अखबार, और आप भी चले जाइए बंगाल में और आसाम के अंदर तो आपको भी मिलेंगी ढेर सारी कहानियां। कई सारे सिख दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में 21,000 से ज्यादा सिख रहते हैं जो अफगानिस्तान से आए, कैसे मालूम पड़ा हमारे आंख और कान खुले हैं, वोट बैंक की लालच ने हमारे आंख कान बंद नहीं करे, इसलिए हमें मालूम पड़ता है। माननीय, उन्होंने कहा कि मुसलमान हमसे नहीं डरते, नहीं ही डरने चाहिए, नहीं डरने चाहिए, और आप डराइए भी मत। आप कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों का अधिकार चला गया, मुसलमानों का अधिकार चला गया, मुसलमानों का अधिकार चला गया, मुझे बताइए सिब्बल साहब, इसमें मुसलमानों का, जो भारत का मुसलमान है, इसका अधिकार कैसे जाता है? इसकी नागरिकता कोई नहीं छीन रहा साहब, ये नागरिकता देने का बिल है, नागरिकता लेने का बिल नहीं है, ये नागरिकता देने का बिल है, उसके अधिकार के साथ कोई छेड़खानी माननीय ये बिल को नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं माइनॉरिटी को कि अपप्रचार में मत आइए, ये भ्रामक प्रचार के अंदर मत आइए, ये जो आपको डराने का कार्यक्रम है वो पॉलिटिकल कार्यक्रम है। वास्तविकता ये है कि इस बिल से भारत के मुसलमानों की सिटीजनशिप से स्नान सूतक का कोई संबंध नहीं है। नहीं, उनको जवाब नहीं देता मान्यवर, मैं इतना ही कहता हूं कि अभी हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर चर्चा कर रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के अंदर किसी भी की नागरिकता लेने का कोई प्रस्ताव ही नहीं है। जो प्रताड़ित लोग हैं, जो माइनॉरिटी है, वहां पर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, उनको नागरिकता देने का प्रस्ताव है, लेने का प्रस्ताव नहीं है। और मुझे आइडिया ऑफ इंडिया समझाने का प्रयास करते थे,
भाई आइडिया ऑफ इंडिया जहां समझाना हो समझा दो, मेरी तो 7 पुश्तें यहां जन्मी है, मैं विदेश से नहीं आया हूं, मुझे मालूम है आइडिया ऑफ इंडिया, मुझे मत समझाइए कभी भी, हम तो इसी देश में जन्मे हैं, यही मरेंगे। मेरी कई बार समझ में नहीं आता, मैं कांग्रेस के नेताओं का बयान सुनता हूं, शायद कोइंसिडेंट ही होगा, कोई इरादे में कमी नहीं होगी, परंतु कांग्रेस के नेताओं के बयान और पाकिस्तान के नेताओं के बयान कई बार घुल मिल जाते हैं। मान्यवर 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 कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो बयान दिया है और आज जो इस सदन में बयान दिए हैं वो एक समान है, एक समान है। एयर स्ट्राइक के लिए जो बयान दिए गए, एयर स्ट्राइक के लिए वो और कांग्रेस के नेताओं के बयान एक समान है। सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त जो बयान दिए गए कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से और पाकिस्तान के नेताओं के माध्यम के एक समान है। 370 पर पाकिस्तान के नेताओं ने जो बयान दिए और उसको यूएन में कांग्रेस के नेताओं के बयान को यूएन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कोट किया, वो भी एक समान है माननीय। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लिए भी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लिए भी कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान देख लीजिए और आज के कांग्रेस के नेताओं के बयान देख लीजिए, दोनों एक समान। हर देश ने अपने कानून बनाए, हम भी अपना कानून बना रहे, हर एक को यहां नागरिकता नहीं मिल सकती, एक स्पेशल क्लास के लिए एक एक्ट लेकर आए हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये करोड़ों लोगों के जीवन को एक नया सवेरा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी जो बिल लेकर आए हैं इसको आप लोग स्वीकार करें, ऐसी विनम्रता से प्रार्थना कर मैं मेरी बात को समझाई। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।